नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। खेलों का महाकुंभ माने जाने वाले ओलंपिक के 32वें संस्करण का आगाज 23 जुलाई से जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाला है। इस साल होने वाले ओलंपिक में भारत से 126 खिलाड़ियों का दल रवाना होने वाला है। 2012 में लंदन में हुए ओलंपिक में भारत ने 6 पदक जीतते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, लेकिन साल 2016 में रियो डी जेनेरियो में भारतीय दल सिर्फ 2 ही पदक हासिल कर पाया था। अब टोक्यो में भारतीय दल से काफी उम्मीदें हैं। रिकॉर्ड 33 खेलों में 42 स्थानों पर 339 मेडल इवेंट आयोजित किए जाएंगे। ओलंपिक शुरू होने से पहले आपको हम उन खिलाड़ियों की सफलता की कहानी आप तक ला रहे हैं जिनसे ओलंपिक में भारत को काफ़ी उम्मीदें हैं। भारत को इस बार वेट लिफ्टिंग में एकमात्र उम्मीद मीराबाई चानू से है और टोक्यो ओलंपिक में उनसे पदक की उम्मीदें भी हैं। भारतीय महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू 2017 में विश्व चैंपियन बनी थी। चानू 49 किलोग्राम भार वर्ग में टोक्यो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। उन्होंने 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता था। फिर एशियन चैंपियनशिप 2020 में उन्होंने 119 किलो वजन क्लीन एंड जर्क उठाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। चानू इस समय अमेरिका में ट्रेनिंग कर रही थी जहां उन्होंने ओलंपिक के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। मीराबाई चानू भारोत्तोलन की 49 किलोग्राम की कैटेगरी में फिलहाल वर्ल्ड रैंकिंग में 4th स्थान पर कायम है। हालांकि जिस ग्रुप में चानू है उसमें उनके ऊपर रैंकिंग की जो 3 खिलाड़ी हैं उसमें से 1 उत्तर कोरिया जबकि 2 चीन की है। आपको बता दें उत्तर कोरिया इस बार ओलंपिक खेलों की इस स्पर्धा में भाग नहीं ले रहा है और भारोत्तोलन के नियमों के मुताबिक चीन को 1 कैटेगरी में 1 ही एथलीट को उतारना है, यानी कि मीराबाई के पास पदक जीतने का सुनहरा मौका है। चानू का जन्म मणिपुर के नोंगपोंग कांगचिक क्षेत्र में एक साधारण परिवार में हुआ था। उन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में निराशा का सामना किया था जब वे वेट लिफ्टिंग इवेंट को पूरा करने में फेल हो गई थी। चानू को भारत सरकार द्वारा खेल रत्न और पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। चानू टोक्यो ओलंपिक में 130 करोड़ भारतीयों की आशा बन चुकी है। वो इस इवेंट में भारतीय चैलेंज के लिए एकमात्र प्रतियोगी है और देश को उनसे मेडल की उम्मीद भी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।